फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर से बड़ी खबर है, एनकाउंटर में मारा गया डकैत, 1 लाख का इनामी डकैत मंगेश यादव है जो मुठभेड़ के बाद मारा गया है। मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ और इलाज के दौरान मंगेश यादव की मौत हो गई। लेकिन नाम मंगेश यादव है तो इस पर सियासत में किस तौर पर हो रही है वो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन सुल्तानपुर से खबर यह है कि मंगेश यादव जो 28 तारीख को डकैती के मामले में शामिल था वो मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन वहां पर उसकी मौत हो गई है। सुल्तानपुर से मिसलपुर पुराना में एनकाउंटर हुआ है। सुल्तानपुर के मिसलपुर सुरैना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनकाउंटर के बाद पुलिस कह रही है 28 अगस्त को ज्वेलर्स के यहाँ ये डकैती डाली गई थी। इस बदमाश ने 1 लाख का इनाम था और दिन दहाड़े डकैती डालने वाला एक बदमाश मंगेश यादव नाम का बदमाश जिस पर 1 लाख का इनाम था वो मुठभेड़ में मारा गया। ये हम आपको डकैती की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दाहिनी तरफ देखिए 28 अगस्त को डकैती डाली थी इस बदमाश ने, पूरे गैंग ने मिलकर के ज्वेलर्स के यहाँ पर धावा बोला था। हेलमेट पहने बदमाश दिखाई दे रहे हैं, सर पर कपड़ा बांधे, मुंह पर कपड़ा बांधे दिखाई दे रहे हैं और ज्वेलर्स के यहाँ डकैती डाली थी हथियारों के बल पर। पुलिस इनका पीछा कर रही थी, पुलिस तमाम बदमाशों की खोजबीन में लगी थी। इस दौरान मंगेश यादव पुलिस के सामने आ गया और मुठभेड़ में वो मारा गया। सुल्तानपुर जिले में आज एसटीएफ और स्थानीय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि बीजे 28 अगस्त को सुल्तानपुर के नगर में एक सराफे व्यवसायी के यहाँ दिन दहाड़े डकैती हुई थी जिसमें एक मंगेश यादव का नाम भी सुर्खियों में आया था। आज सुबह एसटीएफ ने उसे हनुमानगंज के पास मार गिराया है और देखिए उसका शव अब इसी मर्चरी में रखा गया है और बाकायदे यहाँ पे देखिए पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है, साथ में लगातार मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर आ गए हैं क्योंकि उसका पंचनामा होना है और अब वहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस भी मुस्तैद कर दी गई है। आपको बता दें कि मंगेश यादव पर कल ही अभी आईजी जोन ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था और वो काफी मामलों में आरोपित भी है। लगातार पुलिस और एसटीएफ उसकी तलाश में जुटी हुई थी लेकिन उसका नाम सुर्खियों में तब आया था जब वो एक सराफा व्यवसायी के यहाँ शराब के डकैती मामले में जब उसका नाम आया था। लगातार 28 तारीख से ही पुलिस लगातार उसकी खोजबीन में लगी हुई थी और आज सुबह जब मुखबिर की सूचना मिली कि वो जौनपुर की तरफ से आ रहा है तो हनुमानगढ़ के पास एसटीएफ ने घेराबंदी की और उसे मार गिराया। सुल्तानपुर से आशीष श्रीवास्तव, जी मीडिया सुल्तानपुर।